लालू नीतीश की मुलाकात के बाद यह संदेश देने की कोशिश की गई कि गठबंधन में ऑल इज वेल है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री अशोक चौधरी का अमित शाह के प्रति प्रेम देखने को मिला, जिस पर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। नीतीश के मंत्री का अमित शाह प्रेम, बिहार में खेला जाएगा नया गेम। एनडीए में एंट्री, नो एंट्री और कश्मकश। लोकसभा चुनाव से पहले सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। अब नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का अमित शाह प्रेम सामने आया है। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की दलील है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार की एंट्री बंद है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव है। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है, अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई, तब ना हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 40 की 40 सीट बिहार में जीतेगी और जब भी विधानसभा के चुनाव हो पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। एक ओर नीतीश कुमार के मंत्री का अमित शाह प्रेम उमड़ा है, तो दूसरी ओर एनडीए में अभी भी सुर बदले हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की दलील है कि कोई दरवाजा खटखटाना चाहता है तो उसे खटखटाने दीजिए। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जोर देकर कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो विरोध नहीं है। कोई दरवाजा खटखटाना चाहता है खटखटाने दीजिए, इंतजार कीजिए। देखिए बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यदि नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी लेना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ पार्टी में गठबंधन में तो जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। पिछले साल जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे तो तल्ख लहजे में दावा किया था कि एनडीए में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन साल बीतते बीतते जेडीयू और बीजेपी दोनों के बोल बदल गए हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी कह रही है कि पहले बीजेपी खुद तय कर ले कि एंट्री बंद है या खुला है। नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अब संकेत उन्होंने एक जनरल बात कही है, राजनीतिक लोकसभा चुनाव का टाइम है, किस प्रकार का गठबंधन बनेगा, गठबंधन में और कौन साथी आएंगे किसी से, भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन की राजनीति का जनक रही है। तो बीजेपी के लोग आपस में बैठ करके अच्छे से बातचीत कर ले और एक पूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचे। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई बोलता है दरवाजा बंद है, कभी कोई बोलता दरवाजा खुला है, तो पता तो कर ले वो लोग सही में बैठ करके दरवाजा बंद है या खुला है। राजनीति में कल क्या हो कोई नहीं जानता, यही वजह है कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री और नो एंट्री पर अब दोनों तरफ से संभल कर बयान दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इससे पहले उलटफेर की संभावनाओं पर भी सबकी नजर है।